आज का जो टॉपिक है आपका कोश की परिमेय के आधार पर अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप बच्चे से ध्यान से समझें। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक अनंत विस्तार की समतल प्लेट लेते हैं जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश ए समान रूप से फैला होता है। इस प्लेट के दोनों ओर एक बेलनाकार आकृति के रूप में दो छोटे पृष्ठ काटे जाते हैं जिनका क्षेत्रफल डीए होता है और क्षेत्र का सदिश वेक्टर डीए होता है। तब बेलनाकार आकृति के दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युत प्लस डी क्या होता है, यहां से डी बाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए प्लस वेक्टर ई डॉट के। एक इस सिरे का वेक्टर प्लस होता है, दूसरा इस सिरे का होता है। तब हमने डॉट को हटाने के लिए यानी कि स्केलर गुणन को हटाने के लिए यहां पर कोस का यूज किया, तो यह निकल कर आया हमारा ई डीए कोस थीटा प्लस ई डीए कोस थीटा। अब हम इस पूरी प्लेट का निकालेंगे वेक्टर प्लस, तो डी बाई ई बराबर समग्र कर देंगे ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे जो ए लिया है ये इसलिए लिया है क्योंकि पूरी प्लेट के क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अब आपने थीटा की वैल्यू जीरो रख दी, यदि आपसे कोई पूछ रहा है क्यों रख दी, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के जो बीच का कोण है वो आपका जीरो डिग्री है, इसलिए यहाँ पर थीटा है वहाँ पे आपने जीरो डिग्री लग दिया और जीरो की वैल्यू आपकी एक होगी, यहाँ पर भी एक होगी, तो ई ले लिया यहाँ से बाहर क्योंकि हम कर रहे तल के क्षेत्रफल के ए, तो इसलिए यहाँ पर डी ए रखा, यहाँ पे भी आपने डी ए रखा, तो डी ए का हो गया तुम्हारा ए, डी ए का हो गया ए, तो ये आपका टोटल क्या आया टू ई ए। आपको गॉस के प्रमेय का यूज करना है तो पाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू ई ए, तो ई बराबर क्यू बटे टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पूरी प्लेट पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए पृष्ठ घनत्व यहाँ पर आप लोग निकालेंगे, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है सूत्र आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल यानी सिग्मा रो बराबर क्यू बटे ए। आपका जहां पर क्यू बटे ए है वहां पर सिग्मा रो रख देंगे, तब ई बराबर आपका निकल के आएगा सिग्मा रो बटे टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका अनंत विस्तार की समतल प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकल कर आया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो गॉस की परिमेय के आधार पर गॉस की परिमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यह है टॉपिक इस साल यानी कि 2020 में आया हुआ है, या इसी नियम को हम बोलते हैं गॉस की परिमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, आप इस प्रूफ को काढ़ें, यदि ना निकले तो आप मुझे बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर, और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। जब आप शारीरिक सौंदर्यता बढ़ानी होती है तो आप जिम में जाते हैं, लेकिन जब आपको पर्सनैलिटी तो इम्प्रूव करनी हो साथ साथ ही मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको जाना होगा विज्ञान के जिम में। देश का पहला विज्ञान जिम कहें या यो कहें कि देश का पहला विज्ञान चैनल है विज्ञान आओ करके सीखे। प्रगति विज्ञान संस्था का यह चैनल अपने आप में एक विज्ञान जिम है जहां पर आपकी और आपके बच्चों की मानसिक पर्सनैलिटी इम्प्रूव होती है। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।